शेयरिंग। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। प्रियंका, मेरा नाश्ता कहाँ है? भाभी, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इस पर प्रियंका किचन में से दोनों के नाश्ते की प्लेट्स लेकर बाहर आती है। लो भाई, आप दोनों का नाश्ता। किसी को भी एक मिनट का सब्र नहीं है। ये प्रियंका का ससुराल है, जहाँ कोई औरत ना होने की वजह से शादी वाले दिन से ही घर के साथ दोनों भाइयों की जिम्मेदारियाँ प्रियंका संभाल लेती है। दोनों भाई शांति से नाश्ता कर रहे होते हैं कि अंकुश अपने भाई की प्लेट से पराठे का एक टुकड़ा उठा लेता है। आपको पता है ना, मैं खाना शेयर नहीं करता, फिर भी मेरे प्लेट में से खाना जरूरी है क्या? अरे हद हो गई है, मुझे नहीं खाना अब। अंकुर गुस्से में नाश्ता छोड़कर टेबल से उठ खड़ा होता है। अरे ये कैसा बिहेवियर है अंकुर, एक टुकड़ा ही तो है। एक हो या आधा, मुझे भूख लगी है तो ये सिर्फ मेरा ही है, उसे भी किसी के साथ शेयर करने बैठा तो भूखा नहीं रह जाऊंगा। अरे बाबा ठीक है, अब इस पर भी लड़ाई, दूसरा बना देती हूँ। पर प्लीज ऐसे खाना बीच में छोड़कर मत जाओ, इससे अन्न का अपमान होता है। ओ प्लीज भाभी, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। आपके पास पैसे हैं, खरीदो और खाओ, अगर नहीं खाया जाए तो फेंक दो। अरे दुनिया में सब यही करते हैं। अंकुर बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है, जिसके पीछे उसका बड़ा भाई मायूस सा घर में खड़ा रह जाता है। जिसने बचपन से सोने की चम्मच में खाया हो, उसे दुनिया के बारे में क्या पता होगा। वैसे गलती तो हमारी ही है, अगर कभी बचपन में ही सही गलत का फर्क सिखाया होता तो आज ये हाल नहीं होते। आप फिक्र क्यों करते हैं जी, भगवान है, वो जो भी करता है सबकी भलाई के लिए ही करता है, और जब वो चाहेंगे तो अपनी तरह से अंकुर भैया को भी सब कुछ सिखा देंगे। पत्नी की बात पर विश्वास कर अंकुश भी ऑफिस चला जाता है। सुबह से दोपहर होती है और अंकुर लंच करने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां वो एक साथ बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। सर, क्या कोई आपको ज्वाइन करने वाला है? नहीं तो क्यों? अब कुछ नहीं सर, ऐसे ही। वेटर चला जाता है और कुछ देर में अंकुर का ऑर्डर लेकर वापस आता है, जिस पर अंकुर सब डिशेस में से थोड़ा थोड़ा खाकर बाकी ऐसे ही छोड़कर बिल देकर चला जाता है। वाह भगवान तेरी माया, कहीं कोई एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहता है, और ये पांच लोगों का खाना ऑर्डर करके एक का भी पूरा नहीं खाते, ऐसे वालों की माया। वेटर टेबल साफ कर बचा हुआ सारा खाना लेकर रेस्टोरेंट के पीछे घूम रहे बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। वाह आज इतना सारा खाना आया, थैंक यू भैया, भगवान आपको खाने की फैक्ट्री बना दे। अगर ये फैक्ट्री मेरी होती तो तुम लोगों को कभी किसी का झूठा बचा हुआ खाना नहीं खाना पड़ता। चलो तुम लोग खाओ, और ध्यान रखो किसी को पता ना चले, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। इसी के साथ दिन बीतता है और रात को दोनों भाई एक साथ घर पहुंचते हैं। कुछ देर में सब डिनर करने बैठते हैं, जहां अंकुश अंकुर को समझाने की कोशिश करता है। अंकुर, अगर हमें लाइफ में सब कुछ मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका गलत फायदा उठाओ, बल्कि तुम्हें उसकी मदद से दूसरों को भी मदद करनी चाहिए। भैया जिनके पास नहीं है उनकी वजह मैं तो नहीं ना, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, इसलिए अगर मैं एक इंसान कुछ नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे भैया बस एक चीज समझाना चाहते हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी नहीं है उसे बर्बाद करने से अच्छा है कि लोगों के साथ शेयर करें, इससे हम सिर्फ सामान नहीं खुशियां भी बांटते हैं, और इसमें तुम्हारा ज्यादा कुछ तो जाएगा नहीं। भैया भाभी की बात सुन अंकुर कुछ बोले बिना उठकर चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं, जिसमें अंकुश और प्रियंका कोशिश तो बहुत करते हैं, पर अंकुर पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। एक दोपहर अंकुर सैंडविच खाते हुए सड़क के किनारे चल रहा होता है, तभी उसकी नजर आइसक्रीम वाले पर पड़ती है और वो सैंडविच सड़क किनारे फेंक आइसक्रीम खरीदने पहुंच जाता है। अब इसे कहते हैं जिंदगी का सुख। जैसे ही अंकुर आइसक्रीम लेकर पीछे मुड़ता है तो एक आदमी को सड़क से वही सैंडविच उठाते हुए देखता है।
वो आदमी बहुत कमजोर, गरीब, जैसे बहुत दिनों से खाना ना खाया हो वैसा लग रहा था। अंकुर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आदमी सैंडविच अंकुर की तरफ कर देता है। आपको भी खाना है क्या? क्या हम इसे आधा आधा कर ले? मुझे बहुत भूख लगी है। वो मेरा ही झूठा सैंडविच है, तुम दूसरा खरीद कर क्यों नहीं खा लेते? इसे क्यों खा रहे हो? अरे भैया, अगर खरीदने के पैसे होते तो 4 दिन से भूखा नहीं घूम रहा होता। हैं? क्या तुमने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी इस आधे सैंडविच को मेरे साथ बांटने के लिए तैयार हो गए? क्यों? अरे भैया, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, इंसानियत आज भी उतनी महंगी नहीं हुई और ना ही उस पर अमीर गरीब का टैग लगा है जो हम उसे रख ना सके। पर अफसोस, आजकल लोगों के अंदर पोषण, खून या विटामिन से ज्यादा इंसानियत की कमी होने लगी है। आदमी की बातों से अंकुर को समझ में आ जाता है कि वो आज तक कितना गलत काम करता आ रहा था। इसके बाद से वो अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करने और खाने को बर्बाद करने वाली आदत को छोड़ देता है।